खिलाड़ी थाना अंतर्गत में अभी हाल में ही जीएमएम के सक्रिय कार्यकर्ता मदन साव जी के गोली मार के हत्या की गई। उसी सिलसिले में हम लोग पैनिंग नजर रखे हुए हैं कि वहाँ की गतिविधि पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधकर्मी बाइक से तेजी से जा रहे हैं, हो सकता है कि उनके द्वारा फिर कोई दूसरी घटना कारित की जाए। इसी सिलसिले से एक टीम का गठन किया गया था डीएसपी साहब के नेतृत्व में, मनोज के नेतृत्व में, और हमारी टीमें लगी हुई थी। उसी चेकिंग के क्रम में तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास ग्रामीणों के समक्ष जब इसकी जांच पड़ताल की गई, तलाशी दी गई, तो उनके पास से डबल बैरल दो देसी कट्टा बरामद हुआ था, कारतूस मिला था और मोबाइल मिला। ये तीनों हैं संजय कुमार गंजू, रविंदर गंजू और विकास कुमार गंजू, जो तीनों पिपरवार के रहने वाले। जब इनको खंगाला गया, जब इनका सत्यापन किया गया, तो पता चला कि ये कहीं ना कहीं टीपीसी से प्रतिबंधित पार्टी है, उन्हीं लोगों से जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं। लेवी लेने से भी इन लोगों के बारे में इनकार नहीं किया जा सकता। हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, अगल बगल के थाना से टच किए हैं और लोगों ने बताया है कि इसके बारे में और डिटेल्स देते हैं। आज इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष इसको उपस्थित किया। सर, ये तीनों जो अपराधी पकड़े हैं, इसका कुछ पहले भी कुछ हिस्ट्री रहा है? ये हिस्ट्री है इसका, ये है केसेस वगैरह हुआ है दूसरे उधर। अभी तो एग्जैक्ट हमको नहीं मिला है, लेकिन लोग बताए हैं कि इस एरिया के लोग पहले घटना करके गए हुए हैं। मामला ये खुला नहीं, हमको लगता है कि पहली ही बार इसकी गिरफ्तारी हो पाई। कम उम्र के लड़के हैं, 20 और 20+ में है, 25 के आसपास ये सारे लोग की उम्र है, और ये जो असलहा रखे हुआ है ये बहुत दमदार है। नॉर्मली ऐसा नहीं मिलता, आम क्रिमिनल्स को ऐसा नहीं मिलता। डबल बैरल देसी कट्टा ये देखने को नहीं मिलता। Hello everyone, this is your Puneet Vasish and you are watching Star D News. Keep watching. Hi, this is Kabir Sadanand and you're watching Star D News. Keep watching. आप देख रहे हैं Star D News, हर खबर का असर।